नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल ए बी टेक में। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भर्ती 2020 से संबंधित आप लोगों के बहुत से डाउट हैं, जो आप लोग कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से आप लोग पूछ रहे हैं। तो एक ही वीडियो में मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर करने जा रहा हूं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। सबसे पहला जो क्वेश्चन अधिकतर लोग पूछते हैं कि सर जो जाति और निवास प्रमाण पत्र है वो कितना पुराना चल जाएगा, कब तक का ये होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा हुआ है, आपने भी पढ़ा होगा, तो नोटिफिकेशन में कहीं ऐसा तो मेंशन नहीं है कि इस डेट के बाद के या इस डेट के पहले के ये प्रमाण पत्र नहीं चलेंगे। तो मैं इसका आंसर ये आपको देना चाहूँगा कि आप लोग देख लीजिए कि आपका डॉक्यूमेंट 3 साल से ज़्यादा पुराना तो नहीं है। अगर 3 साल से ज़्यादा पुराना है तो फिर उसको मत लगाइएगा, नया बनवा लीजिएगा, उसके बाद आप लोग आवेदन करिएगा, ठीक है। क्योंकि 2015 के पहले के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उनका अब ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं होता है, उनका सिर्फ ऑफलाइन वेरिफिकेशन ही संभव है तहसील के द्वारा। और 2015 के बाद के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाता है। तो जब भी आप लोग अपना जाति निवास प्रमाण पत्र लगाने कहीं जाएं, तो एक बार उसको ज़रूर चेक कर लें कि क्या उसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन में वो चीज़ें शो कर रहा है, आपके नाम से इशू है या नहीं है। तो हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर जा कर के आप लोग अपना जाति निवास या अन्य कोई डॉक्यूमेंट्स उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि वो अभी शो कर रहा है नेट में या नहीं शो कर रहा है, ठीक है। तो 3 साल से ज़्यादा पुराने मत लगाइएगा, और अगर कोई रेयर केस है तो उसमें आप पुराना भी लगा सकते हैं ऐसा, क्योंकि नोटिफिकेशन में कुछ स्पष्ट रूप से लिखा नहीं है, तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड आंसर के रूप में ये हम कवर क्वेश्चन लेंगे यहाँ पर, क्या डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स फॉर्म में भरनी पड़ेंगी। तो दोस्तों जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरने जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये पूछा जाए कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आपको सिर्फ यस या नो का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर पूछा जाएगा क्या आप उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति इससे संबंधित कैटेगरी का चुनाव करना है, तो वहाँ पर आपको कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी ये सारी चीज़ें डालनी है। लेकिन फॉर्म में कहीं पर भी आपको जाति या निवास प्रमाण पत्र की डिटेल्स नहीं भरनी है, सिर्फ वहाँ पर यस नो का ही विकल्प आपको चुनना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया कि आपको कोई भी डिटेल्स वहाँ पर, जैसे होता नहीं जाति प्रमाण पत्र नंबर या निवास प्रमाण पत्र नंबर, ये सारी चीज़ आपको नहीं भरनी है, इशू डेट वगैरह भी आपको नहीं भरनी है, सर्ट इसकी डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट की, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये यहाँ पर आ रहा है कि क्या डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद बनवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं बनवाए तो पहले बनवा लीजिए, उसके बाद ही ऑनलाइन फॉर्म भरें, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरने के पहले के अगर आपके सारे कागजात हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में ये चीज़ें लिखी होती हैं कि जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है, जो रिजर्वेशन है, उनके डॉक्यूमेंट्स आपके पहले के होने चाहिए, ना कि बाद के। तो आप पहले डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म भरिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है महिलाओं से संबंधित, कि महिलाओं को पिता या पति किस पद से प्रमाण पत्र बनवाने हैं, लगाने हैं। तो नोटिफिकेशन आपने पढ़ा होगा, मैं आपको दिखा भी देता हूं यहां पर, यहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं, 13.3 नंबर पे लिखा है, महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति एवं निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। तो जो भी महिला अभ्यर्थी हैं, चाहे आपकी शादी हो गई हो या शादी ना हुई हो, मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों को पिता पक्ष से ही निर्गत जाति एवं प्रमाण पत्र लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग ये इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो भी रिजर्वेशन वगैरह होता है वो आपकी मूल कैटेगरी से ही होता है। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी भी होते हैं जो सामान्य जाति से होते हैं, और अगर उन्होंने शादी इंटरकास्ट कर लिया, ओबीसी में एससी में कर लिया, तो फिर उसका उनको इस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपकी जो मूल जाति होती है, जो पिता पक्ष से निर्धारित होती है, तो पिता पक्ष से ही आपके जाति एवं निवास प्रमाण पत्र मैरिड और अनमैरिड दोनों तरह की महिलाओं को लगाने पड़ेंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है, क्या सामान्य अभ्यर्थियों को भी जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन मेरे पास आए हैं। तो दोस्तों सामान्य महिलाओं को या सामान्य अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र की कोई भी आवश्यकता नहीं है,
जनरल जब आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर इसका ऑप्शन पूछा ही नहीं जाएगा कुछ इस तरीके से। तो आप लोगों को जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाया, लेकिन निवास प्रमाण पत्र आपको अगर आप यूपी से हैं तो ज़रूर बनवा लीजिएगा, ठीक है। बाद में आपका डोमिसाइल चेक करेंगे तो माना जाएगा, तो निवास प्रमाण पत्र आप लोग बनवा लीजिएगा, जाति आपको नहीं बनवाना। इसी तरह के जो अदर स्टेट के हैं, अपना बाहरी स्टेट का आप लोग जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते, सॉरी निवास प्रमाण पत्र आप लोग बनवा सकते हैं, जाति की ज़रूरत अदर स्टेट को भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लोग भी सामान्य श्रेणी में ही आएंगे जो अदर स्टेट से हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी हमारे पास आया था, एक या कई सारे आए हैं कि मैं यूपी से हूँ लेकिन मेरी शादी जो है दूसरे राज्य में हो गई है, तो मुझे किस तरह का आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ऐसी जो महिलाएं जिनकी शादी दूसरे राज्य में हुई है तो आप यूपी से फॉर्म भर सकती हैं, ठीक है। और यूपी से जब आप फॉर्म भरेंगी तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी पिता पक्ष से ही लगाने पड़ेंगे, तभी आपको बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अदर आप दूसरे राज्य से हैं तो आप किसी से भी बनवा सकती हैं, क्योंकि उसमें रिजर्वेशन का कोई फिर रोल नहीं रहेगा, आप अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो जो भी यूपी से महिलाएं हैं, शादी अदर राज्य में हुई है, तो आप लोग पिता पक्ष से ही सारी चीज़ें करवाइएगा, तो आपको रिजर्वेशन भी मिल जाएगा और सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। और जो नोटिफिकेशन जो चीज़ें मांगी गई हैं उसका पालन भी हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर और आता है कि ऑनलाइन फॉर्म में पता कौन सा बने, पिता की तरफ का या पति की तरफ का, क्योंकि खासकर ये महिलाओं के लिए प्रश्न उठता है, पुरुष अभ्यर्थियों को तो इस प्रश्न में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जो भी महिलाएं हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप देखिए, जो आपका जाति लगेगा और निवास लगेगा वो पिता पक्ष का लगेगा, और जब आप जाति निवास प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो वो एक तरीके से चेक भी करेंगे। तो आप लोग कोशिश ये करें कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है, ठीक है, उसमें पिता पक्ष का डाल दीजिए। आप लोग जो मैरिड महिलाएं हैं वो पिता पक्ष का डाल दीजिए परमानेंट एड्रेस में, और अगर आप पति के साथ रहती हैं या कहीं बाहर रहती हैं तो जो कम्युनिकेशन एड्रेस है यानी जो करेस्पोंडेंस एड्रेस है वहाँ पर आप लोग अपने पति साइड का एड्रेस डाल सकती हैं, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो DIOS की तरफ से और मैनेजर की तरफ से एक लेटर भेजा जाता है ज्वाइनिंग करने से संबंधित, तो वो लेटर आपको तुरंत मिल जाए, आपको अपने मायके वगैरह ना जाना पड़े। इसलिए आप जो करेस्पोंडेंस एड्रेस है वहाँ पर आप लोग अपने पति साइड का एड्रेस डाल सकती हैं, और परमानेंट एड्रेस में आप लोग फादर साइड का एड्रेस डाल सकती हैं, जिससे वो डॉक्यूमेंट से भी मैच करेगा और कोई दिक्कत भी उसमें नहीं आएगी, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमारे पास लगातार आ रहे थे, इस वीडियो मैंने कवर किए। इसी से संबंधित एक वीडियो हमने और बनाया हुआ है, उसमें हमने 20 क्वेश्चंस को कवर किया है जो सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का भी लिंक दे दूंगा, आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। 20 क्वेश्चन उसमें कवर हो जाएंगे जो आप लोग अक्सर पूछते रहते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।